में सिर्फ मुझे प्रिंस सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं। नहीं, प्रमोशन में हम हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब भी है साथ में। जी एक्टर में हाँ, अभी मैं हूँ, क्योंकि ये एट ए टाइम अचानक रखा गया। सर ने बोला कि एक हम लोग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, सुबह का रिपोर्ट देख के, आपको भी पता होगा हीरोइन जो हमारी है वो शूट कर रही है, टाइम नहीं मिल पाया, वो मड में शूट कर रही हैं। बाकी आर्टिस्ट जहाँ से हैं, दो चार हमारे जो अच्छे माने करीबी हैं, वो लोग अपने सोशल मीडिया से कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट हैं जो बहुत बड़े वाले हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता कि उनकी क्या दिक्कत है प्रमोशन करने में, क्योंकि टाइटल भारत माता की जय है, हमारे ट्रेलर में, हमारे फिल्म में, हमारे पोस्टर में, सब जगह माने हीरो से भी ज़्यादा उन लोगों का वैल्यू दिया गया है। क्योंकि ये पूरा माने जितने विलेन हीरो की सब कहानी है, उसके बावजूद भी वो प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि भारत माता की जय टाइटल है। उनको किस बात के डर है ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो लगता है कि किसी का चमचे बन गए हैं लोग, ये भी हो सकता है, पता नहीं, सॉरी। लेकिन जो फील हुआ, क्योंकि भारत माता की जय एक टाइटल है, उसमें आप काम किए, अच्छे लेवल से काम किए, प्रोड्यूसर ने सारा सुविधा दिया। मान लीजिए हमारी फिल्म 1.25 करोड़ के आसपास गई, तो कहाँ खर्चा हुआ, इसी सब में गया ना, मेकिंग में गया, आर्टिस्ट में गया, सब जगह गया। तो उन लोग करना चाहिए, भारत माता की जय का प्रमोशन करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं। उनका अपना वो है, नहीं कर रहे हैं, छोटी फिल्में के कर रहे हैं, जिसमें क्राउड में लगता है कि खड़े हुए हैं तीसरे चौथे नंबर पर, उस सब फिल्मों कर रहे हैं। भारत माता की जय उनकी मानसिकता है, लेकिन वो अपने को क्या बोले, बोलते हैं सर कि इंडस्ट्री हमारी परिवार है, परिवार है, जब हमारे फिल्म में जो काम किया है वो प्रमोट नहीं कर रहा है, तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं, जिसमें बाकी लोग कर रहे हैं, हमारे पीआरओ है, हमारे मीडिया वाले हैं, कुछ हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन उन लोग किस बात का जलन है या किसी से डर है कि हम प्रमोशन करेंगे तो आगे हमको काम नहीं मिलेगा, निकाल दिया जाएगा, वो भी हो सकता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रिंस जी आप दे रहे हैं कि लोगों को शायद डर है, इसलिए वो फिल्म प्रमोट नहीं कर रहे। नहीं सुनिए ना, मैं नहीं दे रहा हूँ, हमसे लोग बोले, डिस्ट्रिक्ट के बहुत लोगों ने बोला कि भाई आपकी फिल्म तो ये है, लेकिन ये पोस्टर तक अपने सोशल मीडिया से नहीं जाना, हमको पता, मैं नहीं देखता हूँ, मैं चेक भी नहीं करता, इतना कहाँ टाइम है चेक करने का। लेकिन बाद में फिर मैंने देखा तो बोला कि लगा तो मैंने डायरेक्टर को भी बोला, प्रोड्यूसर से भी बोला कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन क्या कर सकते, डर है तो है, या तो चमचा बन गए होंगे, लेकिन इन लोगों को चमचा गिरी शोभा नहीं देते, क्योंकि नहीं देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे। या लोग बोल रहे हैं कि यार ये लोग देश दो नहीं है क्या, कि जिस फिल्म में काम किए हर जगह उनको प्रोड्यूसर डायरेक्टर फुटेज दिया है, पूरा करेक्टर मजबूत है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे एनी वे चलिए छोड़िए, उनका घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है कि ऐसा करो, खुद अपने पैर खिलाड़ी को मार रहे हैं, काम के लिए 10 बार फोन कर रहे, भाई 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 भाई, उसके बाद से जब हो गया सब कुछ मिल गया। इसीलिए हमारे प्रोड्यूसर शुरू से बोलते आए हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदी बनाया है, कि कोई भी आर्टिस्ट को जब तक फिल्म रिलीज नहीं होता, हमको तो पता नहीं है कि मैं भोजपुरी करता हूँ, कि कोई भी आर्टिस्ट को जब तक फिल्म सेंसर रिलीज होता तब तक पैसा रोक के रखा जाता है। लेकिन भोजपुरी में क्या होता है, जो हम लोगों ने किया है कि पैसा, फिल्म शूटिंग हुआ तुरंत पैसा दिया गया, इन लोगों के साथ साथ सारा सुविधा दिया गया, लग्जरियस सुविधा दिया गया, बिस्लरी गाड़ी घोड़ा होटल, यहाँ तक कि पैर जाते के लिए बॉय का भी पैसा दिया जाता है। और जब फिल्म रिलीज होती है तो लोग गायब हो जाते हैं, डर हो जाता है, जब करते समय डर नहीं होता है कि भाई इनका फिल्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हमको डर हो जाएगा, लेकिन पब्लिसिटी करते समय डर लग रहा है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, भारत माता जय है, हिंदुस्तान का आशीर्वाद दे रहा है ना, आप आए हैं, पूरा पब्लिक दे रही है, जो हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग है वो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे तो मत करिए। सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि प्रमोशन की बात हो रही है, बहुत सारे एक्टर जैसे प्रिंस जी ने कहा कि बड़े बड़े एक्टर नहीं प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, आपने क्या हमसे बात करने की कोशिश नहीं की कि भैया हमारी फिल्म है, आपकी फिल्म है, आपने भी काम किया है, आपकी फिल्म है, आइए प्रमोट कीजिए, काम किया तो उनकी फिल्म होगी ना, इनकी फिल्म कैसे होगी, नहीं मैं कह रही हूं कि आपकी भी फिल्म है, उनकी भी फिल्म है, हम सब ने मिलकर ये फिल्म बनाया, और हमारी पूरी टीम की फिल्म, पूरी टीम की फिल्म, टीम वर्क था, अगर टीम वर्क नहीं होता तो ये फिल्म नहीं बनती, सब लोगों को पता है ये फिल्म कभी रिलीज हो रही है, पोस्टर्स आए हैं, गाने आए हैं, यहाँ तक कि इस फिल्म का प्रमोशन के लिए कैलाश खेर जी ने अपनी स्टेटस रखे थे 4 दिनों तक, अभी भी उनकी स्टेटस में हमारी फिल्म की पोस्टर्स हैं। अच्छा बताइए कैलाश जी क्या जरूरत है, कैलाश जी से बड़े लोग क्या, कैलाश जी के मैंने जो होता है ना वहां तक भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, और नहीं कैलाश जी ने गाने का 4-4 बार वो लगाया अपने इंस्टा पर प्रमोट किया, फोटेज इन लोग का है, हम लोग का है, लेकिन उन्होंने प्रमोट किया, तो उनको सलूट है,
इतने बड़े सर आप कुछ कह रहे हैं। और उन्होंने एक अपनी और क्लिप में दिए हैं कि यह गाना को सुनकर के रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो उन्हें तो हमने कैलाश जी को हमने फोन करके बोलने नहीं बोला है कि सर हमारे ये गाने को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि उन्होंने गाने गाए हैं और उन्होंने खुद से देख करके लगाए। जब कैलाश जी इतनी बिजी होकर के भी वो कर सकते हैं तो हमारे बाकी आर्टिस्ट भी कर सकते हैं। शायद हो सकता है कि हमारे बाकी आर्टिस्ट कहीं और शूटिंग में बिजी हो, बट अभी भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके प्रमोशन। बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आप कीजिए। बट यह फिल्म अच्छी फिल्म है, सब लोगों को प्रमोट करना चाहिए। यहाँ तक कि यह फिल्म इतनी फॉर्चून है कि देखिए यह फिल्म हमारी रिलीज का डेट आई और मोदी जी ने इंडिया को भारत कर दी, इंडिया को भारत कर दिया। तो यह भारत माता की जय एक अच्छी फिल्म है और सब लोगों के लिए। अच्छा पूजा जी बढ़िए, भोजपुरी में आज के डेट में लोग बोलते हैं थिएटर में बंद हो गया, बंद हो गया। अरे जो फिल्म रिलीज होगा तो धीरे धीरे फिर से आएगा, रिलीज होगा तब तो। ये तो हमारे प्रोड्यूसर का कदम है, डिस्ट्रीब्यूटर का कदम है कि ये लोग रिलीज कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि मैंने सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है, कहाँ फिल्म रिलीज हो रही है। मैं बड़ों बड़ों का देखा हूँ कि दो दो तीन तीन साल से डब्बा में फिल्म नहीं रिलीज हो रहा है। मेरा तो बन के अभी रिलीज हो रहा है, सब भगवान का आशीर्वाद है, माँ बाप का है, दर्शकों का है। एक तो फिल्म हम लोग बनाए, जी में सर ने अपना डील किया, जी गदर के बाद भारत माता की जय रिलीज किए, ट्रेलर रिलीज किए, पोस्टर रिलीज किए, गाने रिलीज किए, आज थिएटर रिलीज हो रहा है ऑल इंडिया एक साथ। ये बड़ी बात है थिएटर में, क्योंकि भोजपुरी यहाँ तक बैठ गए लोग बोलते हैं नहीं दर्शक जाए चाहे ना जाए, चार जाए लेकिन जाएंगे ना, जब रिलीज होगा तभी तो जाएंगे। 4 से 14 होंगे, 14 से 400 होंगे, 400 से 4000 होंगे, जब रिलीज होगा तभी तो जाएंगे ना। तो उसके बावजूद भी थिएटर में रिलीज होने के बावजूद भी ये लोग पब्लिसिटी नहीं करते। अब ऐसे लोग क्या बोला जा सकता है, अब बताइए क्या बोला जा सकता है। आपको भी आप भी पूछते हैं सवाल कि प्रिंस जी थिएटर में क्यों नहीं पब्लिक जा रही है क्यों। अरे जब पब्लिक को हम बताएंगे, जितना मेरे से हो रहा है मैं बता रहा हूँ, जितना इनसे हो रहा है बता रहा हूँ, जितने हमारे हीरोइन से हो रहा है पाई जी से वो बता रही है, और भी टीम से 2-4 लोग हैं जितने हैं बता रहे हैं, लेकिन सबको मिल के करना पड़ेगा ना। आप कहते हैं कि भोजपुरी हमारे इंडस्ट्री परिवार है, ये है वो है, घंटा परिवार है, आप लोग की जलन है या तो आप लोग डर गए क्योंकि पता नहीं। चलो अच्छा, जिन लोगों पर आप निशाना साध रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो भी ये इंटरव्यू देखेंगे, कहीं ना कहीं आपसे खबर तो होंगे। क्या उखाड़ लेंगे, काम मैं देता हूँ, वो थोड़ी देते हैं। तो क्या कर लें, खपा होगा क्या कर लेंगे बताइए ना, खपा होगा वो ऊपर वाला खाली खफा नहीं होना चाहिए। कौन भी अपने स्टेटमेंट सुने था ना, 5 लोग को छोड़ के कोई नहीं है, तो ऊपर वाला खफा ना, क्योंकि मैं सही हूँ। अगर मैं गलत रहा तो मेरे अंदर डर रहा था कि अरे प्रिंस सिंह राजपूत गलत है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। लेकिन पूजा जी भारत माता की जय है, उसमें आप पूरा हर चीज से उसमें दिया गया, आपको जगह दिया गया है, हर चीज का जगह दिया गया है, सम्मान दिया गया है, इज्जत दिया गया है, तो उसको तो करना चाहिए ना। आप बताइए, जिसमें कि बताएंगे वो डायरेक्टर हमारे, जो हमारी टीम जो है फिल्म के प्रोडक्शन की टीम है, सबको बताई होगी कि ये डालना है ये करना है। टीम तो ऐसा नहीं कि सबको तो मैसेज गया ही गया होगा ना, तो इसमें डरने की क्या बात, खपा होने की क्या बात है, क्या उखाड़ लेंगे, खपा हो गया बताइए क्या कर ले, खपा हो गया। भगवान माता रानी पर विश्वास है, माँ बाप है, दर्शक है, बाकी क्या है, क्योंकि मैं गलत नहीं किया, तो उसमें खापा होगा चाहे ना, उसे क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात मिस जी आपने। सर जिस तरह से फिल्म बनी है, जिस फिल्म का जो हाइप है बहुत ज्यादा था, फिल्म का जो बजट है वो काफी ज्यादा था, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हुई? हाँ, इस चीज को लगता है कि जिस तरह से हमें फिल्म को रिलीज होनी चाहिए थी वैसे नहीं मिली, क्योंकि जब हम फिल्म बनाए थे तो उस समय हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि थिएटर वापस लौट जाएगा, जो अभी तक हमारे दर्शकों ने थिएटर में जाना शुरू नहीं किया। शायद हो सकता है कि यह फिल्म थिएटर में आने के लिए उनको मजबूर करे, क्योंकि जो नॉर्मली हम भोजपुरी फिल्म आप देखते हैं तो एक जगह जाकर के शूटिंग करके आ जाते हैं सब लोग, क्योंकि उसकी बजट बहुत छोटी होती है, जिससे हमने इस फिल्म में कम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस फिल्म की लोकेशन है पंचगनी, जो हिंदी फिल्मों के लिए भी वहाँ पे जाने के लिए सोचते ही जाकर के शूटिंग करूंगा तो बजट बहुत बढ़ जाएगा। हमने पंचगनी में शूटिंग की है, हमने बॉम्बे में शूटिंग किए हैं, हमने गोरखपुर में शूटिंग किए हैं। इस फिल्म में हिंदी फिल्म हमने 95 से मैं कर रहा हूँ, और हिंदी फिल्मों में जब हेलीकॉप्टर की बात आती है तो प्रोड्यूसर हमेशा बोलते नहीं नहीं मिलेगा। हमने इस फिल्म में हेलीकॉप्टर भी दिए हैं शूटिंग के लिए, तो जो पब्लिक थिएटर में जाकर के देखेंगे वो निराशा तो नहीं होगी।
वो जरूर इस फिल्म से, ऐसा हो सकता है कि यह फिल्म से पब्लिक वापस थिएटर की तरफ लौट जी। पूजा जी, आज हमारी फिल्म रिलीज हुई है बड़े सेंटर जोधी में, 6-7 बड़े सेंटर में रिलीज ही कर रहा था, 6-7 में ज्यादा नहीं कर रहा था, आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कमी हुई है चाहे, तो अभी क्या है कि आज का रिजल्ट है, उसके बाद हमको लगता है कि धीरे 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 पूरा फैल जाएगा हर जगह, क्योंकि मुद्दा था कि 7-8 सेंटर हम लोग बड़े लेते हैं, वहाँ का रिजल्ट क्या मिलता है, धीरे धीरे हर जगह लगेगी फिल्म, तो इसमें कोई वो नहीं है, जो हम लोग मेहनत किए हैं सब किए, अच्छी फिल्म बनाए हैं, बलगट्टी भी हमारी फिल्म में नहीं है कोई की ऐसा है वैसा कुछ पर ऐसा नहीं, तो पसंद आएगा ही आएगा आपको। प्रिंस जी, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो बड़ी बजट की फिल्म होती है या कोई भी फिल्म होती है, लोग फिल्ममेकर्स चाहते हैं कि बड़े कोई त्यौहार हो उस पर रिलीज हो, जैसे छठ पूजा हो जाए, दुर्गा पूजा हो जाए, आप लोगों ने इस समय रिलीज करने की कोई खास वजह? हाँ, इसलिए भारत माता की जय फिल्म का नाम है, तो भारत माता की जय के लिए कोई समय कोई सिचुएशन कुछ नहीं, ये बताइए भारत माता की जय रोज भाषण होता है रोज बोलते हैं, तो उसके लिए समय थोड़ी है कि भारत माता की जय बोले, हम नहीं मानते कि 26 जनवरी 15 अगस्त ये फेस्टिवल हो, हम नहीं मानते, जब चलना होगा भारत माता की जय के लिए कुछ समय नहीं है, जब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया, जब रिलीजिंग का समय आ गया, हम उन्हें रिलीज कर दिया। सर, आपको नहीं लगता कि छुट्टी का अगर समय होता है तो ऑडियंस ज्यादा थिएटर तक आती है? देखिए, छुट्टी का समय हमेशा सैटरडे संडे को होता है, सैटरडे संडे मिलता है, और इस फिल्म के लिए इससे बड़ा समय और नहीं हो सकता था, जब मोदी जी ने इंडिया को भारत कर दिए तो भारत माता की जय के लिए इससे बड़ा समय और क्या हो सकता है। तो हमारे सबसे बहुत ही सही समय और सही समय पे लीजिए भैया। देखिए पूजा जी, जब कुछ भी हिट हो जाता है ना, समय सही हो जाता है, गदर टू तो जब हिट हो जाएगा तो समय ऑटोमेटिक सही हो जाता है, तो देखते हैं आज रिलीज हुआ है मॉर्निंग शो का अच्छा रिजल्ट आया है पटना से, आप लोग भी पता कर लीजिएगा, अभी चुनू जी से बात हुआ, श्री वर्मा जी से बात हुआ, तो मॉर्निंग शो का जो कलेक्शन नॉर्मली है अच्छा आया है, मैंने जो बड़ी फिल्में हो चाहे कोई भी हो लगता है तो उतना कलेक्शन है तो अच्छा है, अभी देखते हैं धीरे धीरे, हम लोग मुंबई में ही जाएंगे संडे को, आप बुलाएंगे ही, संडे को चल रहे हैं, बाकी माता रानी है। अच्छा, प्रमोशंस के लिए आप लोग, जैसे कि आपने ना संडे को जाने वाले हैं, क्या कोई कलाकार आप लोगों के साथ होगा, क्या हम मीडिया वालों को भी आप लोग बुला रहे हैं? अब देखते हैं, डिसाइड कर, कलाकार तो मैं हूं और कुछ लोग जो नहीं आ पाए हैं, कुछ लोग जो शूटिंग में व्यस्त हैं उनसे टाइम भी आएंगे। हाँ, अपनी हीरोइन भी होंगी पायस जी, वो भी आएंगी, बहुत ही अच्छा उन्होंने भी काम किया है, सारे लोग अच्छे काम किए हैं, चलेंगे ना साथ में चलेंगे सब। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे फैंस को भारत माता की जय पर, जो रिस्पांस आ रहा है और जो आप लोग चाहते हैं कि और रिस्पांस आए, दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं? देखिए, दर्शकों से हमारी यही विनती है कि यह फिल्म को एक बार जाकर के जरूर देखिए, मोदी जी ने इंडिया को भारत किया है, उस समय भी हमने भारत माता की जय रिलीज किया है, और इसमें आप निराशा नहीं होगा, जो बाकी भोजपुरी फिल्म जो देखते हैं उससे बहुत ही अलग तरह की फिल्म है, आप पूरी परिवार के साथ जाकर के बैठ के देख सकते हैं, आपके एक बार आप लोग भी जयकारा लगाइए भारत माता की जय, और भैया एकदम लहरा दो झंडा जय। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए आप दोनों का, थैंक यू सो मच। कैमरा प्रथम के साथ पूजा विकास, मुंबई।